साबुदाना थेपला बनाने के लिए मैंने ले लिया है साबुदाना और इसको ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था। तो देख लीजिए अभी ये एकदम रेडी है। तो चलिए इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। साबुदाना के अंदर अभी ऐड कर देंगे बॉइल्ड मैश्ड पोटैटो। इधर पे मैंने ले लिया है एक बड़ा साइज का पोटैटो, साथ ही साथ ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज का आनियन फाइनली चॉप्ड किए हुए। अगर आप लोग व्रत के लिए बना रहे हो तो आनियन स्किप कर सकते हो। ऐड कर देंगे थोड़ा सा करी लिप्स रफली चॉप्ड किए हुए, थोड़ा सा कोरिएंडर लिप्स, साथ ही साथ ऐड कर देंगे दो ग्रीन चिली फाइनली चॉप्ड किए हुए, साथ ही साथ ऐड कर दूंगी थोड़ा सा क्रश्ड पीनट्स। इससे साबुदाना थेपला बहुत ज्यादा क्रिस्पी बनेगी। ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर और अभी सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सारे चीज हमारी बहुत अच्छे से मिक्स हो गए है। तो चिक मैंने तवा चढ़ा दिया है और ऊपर से हल्का सा ऑयल ब्रश कर दूंगी ऐसे। और अभी थेपला रेडी करने के लिए मैंने ले लिया है एक फॉइल पेपर और अभी थोड़ा सा मिक्सचर ऐसे हाथों में ले लीजिए। फॉइल पेपर के ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश कर दीजिए और अभी इस मिक्सचर को ऐसे प्लेस कर दीजिए और कवर करके हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस कीजिए। देख लीजिए ये हमारी एक थेपला भी रेडी हो गई है फ्राई होने के लिए। तो चलिए फ्राई कर लेते हैं। तवा हमारी गर्म हो गई है तो अभी इसको प्लेस कर देंगे। फ्लेम को लो में रख के एक साइड को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। 2 मिनट हो गए हैं तो अभी इसको पलट देंगे ऐसे और फिर से इस साइड को भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं, साबुदाना थेपला अभी हमारी एकदम रेडी है। चलिए निकल लेते हैं। सेम तरीके से और इसको तवा पे प्लेस कर दूंगी ऐसे और 2 मिनट के लिए एक साइड को फ्राई कर लूंगी। 2 मिनट हो गए हैं तो अभी इसको पलट देंगे और पलट के दूसरे साइड को भी 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। लीजिए मेरी इजी एंड टेस्टी हेल्दी ब्रेकफास्ट साबुदाना थेपला अभी एकदम रेडी एंड सर्व्ड। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी ना तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।